आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ रिंग निकालने का तरीका। देखिए, एरिया ऑफ रिंग निकालने के लिए आपको समझना है कि रिंग होता क्या है। दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, यानी एक ही सेंटर होता है लेकिन रेडियस अलग अलग होते हैं। एक रेडियस जो इनर रेडियस, अगर हम उसे आर वन कहें, आउटर रेडियस है आर टू। उन दोनों के बीच में जो पोर्शन होता है वो हॉलो होता है, इसलिए आपको एरिया सिर्फ शेडेड पार्ट का निकालना है क्योंकि वहीं पर मटेरियल यूज़ किया है, बाकी तो हॉलो है। आपने देखा होगा रिंग्स जो होते हैं, जैसे आप लोग जो खेल में यूज़ करते हैं, वो बीच में हॉलो होते हैं। तो अगर हमें एरिया ऑफ रिंग निकालना है तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ सर्कल, आपको अगर ज़रा भी ध्यान हो, पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि दो रेडियस है हमारे पास, आर वन और आर टू। तो या तो हम ऐसा कर सकते हैं कि पहले आउटर सर्कल का निकालें एरिया और उसमें से माइनस कर दें इनर सर्कल, लेकिन एक डायरेक्ट मेथड है क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा अगर हमने पहले पूरा एरिया बाहर का निकाला फिर अंदर का निकाला। इसके बजाय हम थोड़ा सा शॉर्टकट अपनाएंगे। जैसे मान लीजिए मुझे दिया हुआ है आर वन 8 सेंटीमीटर्स और आर टू मुझे दिया है 15 सेंटीमीटर्स। मेरे इनर और आउटर रेडियाई हैं 15 एंड 8। इससे हमारे को निकालना है एरिया ऑफ रिंग। फॉर्मूला यूज करने पर आपको आएगा पाई आर टू स्क्वायर माइनस पाई आर वन स्क्वायर। लेकिन जैसा कि मैंने बताया, ये कैलकुलेशंस बहुत बड़ी हो जाएंगी, तो हम कोशिश करेंगे कि इन दोनों के बीच से पहले तो कॉमन निकालें कि क्या चीज़ निकल सकती है। कॉमन निकल सकता है पाई, अब ब्रैकेट में होता है आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया का फॉर्मूला। तो ये हमारा एरिया ऑफ रिंग है, लेकिन यहाँ भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो बजाय इसके कि हम आर टू का स्क्वायर निकालें या 15 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर करें, हम इसे इस तरीके से स्प्लिट अप कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा पाई आर टू प्लस आर वन एक ब्रैकेट में और आर टू माइनस आर वन। तो ये फॉर्मूला जो हमारा बन गया, इससे हमारी कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब वैल्यूज डालेंगे अगर तो 22/7 और R2 प्लस R1 यानी 15 प्लस 8 आ जाएगा 23 और 15 माइनस 8 इज 7। ये 7 और 7 कैंसिल, 22 इंटू 23 करेंगे तो ये आ गया आपका 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये था आपका एरिया ऑफ रिंग, यानी जो ये शेडेड पोर्शन है इसकी कैलकुलेशन आ गई 506 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपको आउटर सर्कल के एरिया से इनर सर्कल का एरिया माइनस करना है। इस प्रॉब्लम का हम एक वेरिएशन देखेंगे। मान लीजिए आपके पास एरिया दिया है और इनर रेडियस दिया है, लेकिन आपको आर टू निकालना है, दिया नहीं है। चलिए मान लीजिए हमारे पास आर वन है 10 सेंटीमीटर्स, एरिया ऑफ रिंग है 66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है आर टू, तो इसी फॉर्मूले को यूज करके हम आउटर रेडियस भी निकाल सकते हैं। देखिए सिर्फ वैल्यूज इनपुट करिए इस फॉर्मूले में 22/7 और ये आएगा आपका आर टू स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर, क्योंकि आर वन आपके पास 10 दिया है। ये यहाँ पर देखिए किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं हम सिंप्लीफाई, 3, 7 into 3, 21 इधर आ गया आपका आर टू स्क्वायर माइनस 100। क्यों 100 आया? क्योंकि ये 10 स्क्वायर है। अगर इसे हम इस तरफ ले आएंगे तो बन गया 121 इज इक्वल टू आर टू स्क्वायर, और आप सब जानते ही कि 11 का स्क्वायर 121 है, तो आर टू आपका आ गया 11 सेंटीमीटर्स। तो ये एक इसकी एप्लीकेशन भी हो गई कि अगर आपके पास कोई भी एक रेडियस मिसिंग है और एरिया ऑफ सर्कल दिया, एरिया ऑफ रिंग दिया है, तो आप किस तरीके से दूसरा रेडियस निकाल सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू एंजॉयड द सेशन। स्टे ट्यून्ड टू आइडिया इन्फिनी फॉर मोर वीडियोज ऑन मैथ्स एंड इंग्लिश।
liking all our videos. So, send in your suggestions and queries in the comment box. Share the videos with your friends and press the bell icon for the latest information on all the videos of Maths and English. And don't forget to subscribe to the channel, ideainfini.